गाइज आज की वीडियो होने वाली है पल्सर P150। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये, ओल्ड पल्सर का अपग्रेडेड वर्जन है और काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, एवरेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज इसी की डिटेल वीडियो होगी। इस गाड़ी की अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस टाइप की इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाई पड़ती है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का विंडशील्ड देखने को मिल जाएगा बिल्कुल शॉर्ट में, और नीचे आप आएंगे तो नंबर प्लेट का स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो DRLs आपको बोथ साइड कॉर्नर DRLs देखने को मिल जाएंगे। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ छोटे छोटे से वाइट कलर के स्टिकर्स लगाए गए जो इसके लुक को एनहेंस करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो बोथ साइड आपको बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर थोड़े से इसके बड़े हैं। और नीचे आप आएंगे तो फाइबर का मडगार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट मडगार्ड है इसका लेकिन ठीक है, बढ़िया लगता है देखने में। डुअल चैनल ABS के साथ भी ये गाड़ी आती है और सिंगल चैनल ABS के साथ भी ये गाड़ी आती है। डिस्क इसकी छोटी डिस्क है लेकिन बढ़िया डिस्क लग रही है देखने में। टायर की बात करें तो 90-90 और R17 के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अलॉयज रिम्स की बात करें अगर तो 17 इंचेस के अलॉयज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक ठाक अलॉय मिल जाते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और अगर इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से कुछ इस टाइप की गाड़ी दिखाई पड़ती है, लुक अच्छा दिखाई पड़ता है गाड़ी का, कोई डाउट नहीं इसमें। अब इसके टैंक साइज़ की अगर बात करें तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है अच्छी कैपेसिटी के साथ। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है चार्जिंग स्लॉट के पास में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हैंडल कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा अच्छे डिज़ाइन पर हैंडल दिया गया ओल्ड वाली पल्सर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको थोड़े से स्विचेज एंड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, बोथ साइड आपको स्विचेज मिल जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए पावर का बटन दिया गया है और इसका जो मीटर है सेमी डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, तो मीटर भी ओवरऑल ठीक ठाक है मीटर। और मीटर का लुक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, इस गाड़ी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको पल्सर की बैचिंग मिल जाएगी और 3D पर पूरी पल्सर की बैचिंग मिल जाएगी। और इसका ये जो पार्ट है ना, ये इस गाड़ी के लुक को थोड़ा सा बढ़ा देता है जिसकी वजह से लुक थोड़ा ज़्यादा और अच्छा लगने लगता है, इस गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। और इसकी सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सीट हाइट जो है 790 mm की सीट हाइट आपको देखने को मिल जाएगी, दोनों सीट अलग अलग है। और यहाँ पे ग्रैब रेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया ग्रैब रेल्स है, स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप आएंगे तो P150 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल है P150, 3D पे नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का यूज़ किया गया, नेट का यूज़ किया गया थोड़ा सा। और नीचे आप आएंगे तो इसके इंजन की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इंजन मिला है यहाँ पे, 149.68 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 14.29 bhp की 8500 rpm पर। और यहाँ 6 गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ फ्रंट फुटरेस्ट बैक फुटरेस्ट ये देखिए यहाँ पे जो है सिल्वर का यूज़ किया गया है। यहाँ इंजन काउल जो है देखिए, इंजन सेफ्टी गार्ड जिसे भी कहते हैं ये भी दिया गया है। ऑटो कट स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है जो बढ़िया फीचर्स है इसमें। यहाँ पर प्लास्टिक का चैन कवर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए टायर गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, बैक सस्पेंशन भी आपको विजिबल होगा रेड कलर में, और रेड कलर इसमें कर दिया गया है। टायर की बात करें बैक टायर 110/80 R17 के बैक टायर अच्छी ग्रिपिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है, 17 इंचेस के अलॉयस। यहाँ पे आपको की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है पीछे की सीट खोलने के लिए। बैक प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस टाइप की इसकी बैक प्रोफाइल है, LED बैक टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन पे। डिज़ाइन देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इसकी, ये रात में जब जलती है तो और भी बढ़िया लुक लगता है। इसके टेल सेक्शन की बात करें तो टेल सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इसका बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट का स्लॉट है, ऊपर सब बल्ब का ऑप्शन दिया गया नंबर प्लेट के लिए। साइड बल्ब इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, पीछे भी जैसे आपको आगे बल्ब इंडिकेटर मिलते हैं उसी टाइप के आपको पीछे भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस बात कर लेते हैं अब इसकी एक्सोरूम प्राइस की, तो इसकी एक्सोरूम प्राइस होने वाली 1,20,653 रुपये। और बहुत ही बढ़िया बाइक है और मेरे ओपिनियन से अगर ये देखें तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक होने वाली है आपके लिए। और P150 डुअल डिस्क में इसका रेट ये है। तो अपनी वीडियो हम यही पेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना।